थैंक्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स मैच आप लोगों के लिए नीदरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच जो ट्राई सीरीज का फिफ्थ T20 मैच है उसकी मैं आप लोगों के लिए ड्रीम इलेवन टीम साथ ही बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज कलेक्ट करके लेकर आया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बता दूं फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे चैनल पर सभी मैचों की ड्रीम इलेवन टीम डाली जाती है। तो विकेट कीपर सेक्शन में मैंने मैथ्यू क्रॉस को पिकअप किया। स्कॉट एडवर्ड आपके लिए बढ़िया और अच्छे ऑप्शन है। यहाँ बता दूँ स्कॉट एडवर्ड लगभग छठे या सातवें स्थान पर बैटिंग करने आते हैं। मैथ्यू क्रॉस कभी कभार काफ़ी ऊपर भी आ जाते हैं। तो इनको मैथ्यू क्रॉस को लगभग 58% लोगों ने पिकअप किया। बात करूँ स्कॉट एडवर्ड को तो इनको 41% लोगों ने पिकअप किया। अब फ्रेंड बैटिंग सेक्शन की बात करूँ उससे पहले बता दूँ, अगर फ्रेंड ड्रीम इलेवन में आप अच्छा अर्न नहीं कर पा रहे हैं तो मैं फ्रेंड्स आपके लिए एक बहुत ही अच्छी फैंटसी ऐप लेकर आया हूँ जिसका नाम है वेब 11, जिसमें अगर आपको क्रिकेट का थोड़ा सा भी नॉलेज है तो आप डेफिनेटली इसमें बहुत अच्छा अर्न कर लेंगे। इसमें फ्रेंड्स ड्रीम इलेवन से अच्छे फीचर्स हैं। टीम क्रिएशन का सिस्टम काफ़ी बढ़िया है। इसके अलावा फ्रेंड्स जब आप इसमें साइनअप करेंगे तो आपको 100 रुपये बोनस मिलेगा। तो फ्रेंड्स जब आप साइनअप करें तो हमारा रेफरल कोड डालना ना भूलें, तभी आपको 100 रुपये बोनस मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको रेफरल कोड और फ्रेंड्स वेब 11 का लिंक मिल जाएगा, तो आप उसे डाउनलोड करके ज़रूर एक बार ट्राई करें। काफ़ी अच्छा ऐप है, आप काफ़ी अच्छा अर्न भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बैटिंग सेक्शन की बात करूं तो यहां पर बेन कूपर, काइल कर्जर, कालम मैकलोड, टेवरेट बीज और इसके अलावा मैंने जॉर्ज मुंशी को पिकअप किया है। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होने वाले हैं। फ्रेंड्स बता दूँ सिकंदर जलीफुकार आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। बस डी लीडे ये थोड़ा फ्रेंड्स रिस्की हो सकते हैं आपके लिए। दयाल बाग आपके लिए बढ़िया ऑप्शन है। अब ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर ऑलराउंडर सेक्शन में आपके लिए रिची बैरिंगटन, रिलाफ डेव बेन मर्वी, लास्ट मैच में इनको प्ले कराया गया था, स्टार्टिंग के मैचों में इनको नहीं खिलाया गया था, बट फ्रेंड्स अब ये उपस्थित हैं। बढ़िया ऑलराउंडर है, बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हैं। मैक्स बॉयड की बात करूं तो यहाँ पर ये आपके लिए मैक्स और डाउड ये बहुत ही अच्छे ऑप्शन है, और सकीब जलीफकार भी बढ़िया ऑप्शन। मचिलिस की बात करूँ तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, और ये फ्रेंड्स थोड़ा रिस्की हो सकते हैं। अब बॉलिंग सेक्शन की बात करूँ तो यहाँ पर आपके लिए मैंने फ्रेंड्स तीन बॉलर पिकअप किए हैं, सैम सेंटर और सफियान सारिफ और मार्क वट। फ्रेंड्स ये तीन बॉलर तीनों ही अच्छी हैं। और मार्क वट की बात करूं तो फ्रेंड्स लास्ट मैच में मार्क वट को नहीं खिलाया गया था, बट फ्रेंड्स मुझे लगता है इस मैच में इनको चांस दिया जा सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इन्होंने सेकेंड और फर्स्ट मैच में काफ़ी अच्छी फ्रेंड्स बॉलिंग की थी। तो फ्रेंड्स मार्क वट के साथ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं, आप एकदम फ्रेंड्स रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो आप जा सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर स्कॉटलैंड के स्टुअर्ट बैंक वाइटिंगम के साथ। यहाँ पर बता दूँ मार्क वट को फ्रेंड्स या तो क्रिस सोल के स्थान पर खिलाया जा सकता है, क्योंकि क्रिस सोल लास्ट मैच में बहुत ही ख़राब प्रदर्शन किए थे, 4 ओवरों में इन्होंने 43 रन्स दिए। तो ये फ्रेंड्स आपके लिए सेफ टीम होगी स्मॉल लीग की। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कैप्टन बनाया कॉलम मैकलॉट को, टर्विज बीच को मैंने वाइस कैप्टन बनाया। तो ये फ्रेंड्स ड्रीम इलेवन टीम हो गई। इस ड्रीम इलेवन टीम में कोई भी इंजरी, कोई भी चेंज की न्यूज आती है तो कमेंट सेक्शन में आपको सबसे पहले मिल जाएगी, आप कमेंट सेक्शन को चेक करते हुए ज़रूर जाएँ। इसके अलावा फ्रेंड्स आप उस वेब 11 ऐप को ज़रूर ट्राई करें, और जब आप ट्राई करें तो रेफरल कोड डालना ना भूलें। फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये प्लेइंग 11 कैसी लगी, ये ड्रीम 11 टीम कैसी लगी, अगर फ्रेंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। फ्यूचर में ऐसी और आप ड्रीम 11 टीम देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को आप बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लें। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।